हाँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है प्रेस क्लब के बाहर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग जो है वो यहाँ पर किलिंग्स हो रही है, उन सब चीजों को लेकर जो है आज एनसी के यूथ विंग जो है वो अभी प्रेस क्लब के बाहर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होश में हो, होश में चलिए बातचीत करने की बिठा के कोई ना कोई फ्रूटफुल एक डिस्कशन हो जिसके बीच कोई हल निकले। जब तक कमान जब तक जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं वो तो लगातार पाकिस्तान से बातचीत करने की बात। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊँ, क्यों पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि कश्मीरी डिस्प्यूट हमारा पाकिस्तान के साथ है, हमारा रशिया या ब्रिटेन के साथ नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर का मिसाइल धारक की हत्या कर दी गई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कह रही कि बाहरी लोगों को यहाँ पर बसने नहीं देंगे, आपके अधिकार खा लें। ऐसी बात नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि हम बाहरी लोगों को बसने, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस लीडर ने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब आपने डोमिसाइल लागू कर दिया है तो जो है बनाना चाहता है वो बनाए डोमिसाइल, हमने कब मना किया? हम तो कहते हैं 370 को रिवोक करना, जम्मू कश्मीर जितना वो हमारा हक यहाँ पे लोगों का है उतना ही जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा 1-to-1 नहीं सर, बोलो।